राक्षसों को पृथ्वी में प्रिय भक्तों जय सीताराम जी की आप श्रवण कर रहे हैं रामचरित मानस श्रीलंका कांड दोहा क्रमांक 198 से आगे 198 से आगे लंका कांड नारायण तक से लड़ाई चल रही है। ऐसा पांडव चरण जाए अविदेशा श्याम सरोवर हुए पिरुतन देखी पद धर सिरा सुख लहे विषय की। इधर अस्ताचल में सूर्य भगवान के प्रवेश किया तब बानरों ने जाकर श्री रघुनाथ जी के चरणों की वंदना की। छिपते समय सूर्य जिस पर्वत की ओट में हैं होते हैं उसकी अस्ताचल कहते हैं। प्रभु का श्याम कमल के समान शरीर देखकर चरणों में सिर धर बड़ा सुख पाया। राम सबन सा दर्शन माना के दयाल रघुवीर समाना। कहे प्रभु होए थलन असीना आओ से पाए भय श्रमहीना। रघुनाथ जी ने सबका आदर पूर्वक सम्मान किया। रघुनाथ जी के समान कौन दयालु है। तब रघुनाथ जी बोले अपने अपने स्थानों पर बैठा आज्ञा पाप थकावट रहित हो जा होते हैं। सब अपने अपने स्थानों पर विराजे अनुज सहित मुन मुदित कृपालु। सुनाओ माता निसे रघुनायक गावत जन में सुख दायक। रीच बानर सब श्रम रहित हो गए। लक्ष्मण सहित रघुनाथ जी मन में बड़े हुए बोलेंगे। सुनो पार्वती उस रात में रघुनाथ जी अपने भक्तों की बड़ाई करने लगे अथवा उनके जन जिसको जिस रूप में सोचे या में तीन भगवान विराजमान हूँ वही अति नारायण तक जागे दुष्ट की दुष्ट की बन के ही नहीं वैसे मार जित दऊ हाता लगी दे निशाचर नाथा। वह जब तीन पैर रात बीत गई तब नारायण की मूर्छा जागी। वह राक्षस राज अपने दोनों हाथ सोच के मारे मलने लगा और हृदय में महालोजित हुआ। लाज के रथ समार बाज साज रुष्ट पुष्ट संक छाड़ सत्र मार गढ़ वीर संग दुष्ट भोर दुज भी निशान गान काले कैत करत वीर वीर अग्र कौन गाज गाज सब भरता। लजा कर अपना रथ संभाल और रुष्ट पुष्ट उसमें घोड़े जोड़ जोत शंका त्याग कर शस्त्र बांध बड़े बली वीरों को साथ ले भय दुष्ट सज्जित हुआ। ढोल भेरी बजने लगी कड़े खेत कड़खा गाने लगे और बड़े धीर वीर योद्धा आगे ही महाध्वनि गर्जित चले। जी भाई आस त्रास नास बाजे मोहे छड़ छड़ बंक सूर संक दूर वीरता सपूर चंड बाज नाग सोर घोर परियो दसो दिशान धर पूर मेघ बोध सोद ना परो अपान। आजा आगे जा में अर्थ लगा दो प्रिय भक्तों जय जय सीताराम जी की आप श्रवण कर रहे हैं रामचरित मानस श्रीलंका कांड दोहा क्रमांक 198 से अंक कथा चल रही है। हमारे बड़े भाई साहब थक गए अब साहू जी पढ़ेंगे। 80 साल की उम्र में खूब दम मार रहे थे। अरे भैया वो तो काहे पांच भगवान पढ़वा रहे हैं उनसे पांच सुन हो जाए नहीं तो पढ़वे को मन तो बहुत करे। हाँ सही है पाँव में झुंझुनी चढ़िया है। भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान ने ऐसे ही चलाते रहे। बस भगवान बुलाते रहे अबे नहीं बुलाओ। अरे भाई मंदिर बुलाते रहे और का कह रहा हूं मंदिर तो वहां बुला लो तो वहां बुला ले उनकी मर्जी। अरे मुंह बुरा लगा हुआ है देखो भैया जा सत्य बात है जानो दे कब जानो है जब आ मालूम है अपन नहीं है मालूम राक्षसन पर तो रे भैया और जीवे की आशा सब करें मैं नहीं सब करें जितने दिन जिए उतने दिन जिए वो मनुष्य जीवन ही है सो भगवान ने बनाया है। चलते फिरते जिए तो जीवन है वो नहीं खटिया भी तो नरक है वो तो नरक है वो यही भोग वो बल्कि नरक से भी गांव भी तो है नरक से भी गांव भी तो है वो
बलराम चंद्र भगवान की जय। जय बिद्राम जी राखेंगे बेसी रे नो पड़ा हूं। जय भगवान सुत हनुमान की जय। करवन को अपने डॉक्टर ही नहीं चले मां सीताराम जीने की आशा और भय छोड़ घोड़े के घोड़ों के स्वामी बड़े बांके सब योद्धा सब शंका तथा मोह त्याग वीरता में भर क्रोध कर गर्जे उस समय घोड़े हाथियों की चिघाड़ने के का शब्दों दसों दिशाओं में भर गया। धूल से आकाश मेघ मंडल के समान पूर्ण हो गया मेघ के समान राक्षस कूद कूद व्याम पंथ जा आए जाए भूमि आस्त्र सहस्त्र कर काल कूद कूद झूम झूम लखन सिया में चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय। मंत्र सिद्ध कर रहे हैं ये मंत्र है। कूद कूद कर आकाश में बारंबार जाते हैं और पृथ्वी में आते हैं अस्त्र शस्त्र निकाल कर महाक्रोध झूमते हैं। त्रिले मान चाहते करन आन तमी चर चन सोने खगित मर कटे बिकट जिमे धाये बर बंड लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम जय सिया राम जय हनुमान की जय हो। उस समय राक्षसों की सेना मानो प्रलय करना चाहती है। कागभूषण जी बोले हे गरुड़ जी बड़े योद्धा वानर भी क्रोध कर जिस प्रकार दौड़े सो सुनो। निहार हर्ष की शरीक्ष फूल फूल सहल भय बाजाए कटिकटाए हू एक बार के आम भी ऊपार भूधार अपार वृक्ष आस शिव श्रृंग गहु परिनि साचरण रान रुंड झुंड मुंड भांग। निशाचरों को देखते ही रीछ वानर प्रसन्नता से फूटकर पर्वत के समान हो गए। मुख से ही बाजों का शब्द कर कटकटा हुए शब्द निर्मल हो करने लगे। पर्वत विशाला वृक्ष अनेक उखाड़ उखाड़ कर राक्षसों को मारने लगे जिससे अनेक राक्षसों के झुंड बिना सिर के हो गए रुंड डोलने लगे अर्थात शिलाओं की मार से उनके सिर चूर्ण हो गए। मारे पत्थर के पत्थर बड़े बड़े राधि राधि हरि मेर गावती सवार मानो बेचे त्रिहानी दही मानो जखल कहू हाली धारा बल विचार भर धार को सके सुन पुकार जयती राम शत्रु से नहीं धके। जिस प्रकार मृगों को मार कर सिंह नष्ट कर देता है ऐसे ही वानरों ने राक्षसी सेना को विध्वंस कर दिया। ओ गऊ और हाथी घोड़े सवार
ऊंट आदि से उस सेना की ऐसी शोभा हो रही थी मानो कामदेव ने सब विचित्र सेना को खड़ा कर दिया है, खंड खंड कर दिया है। उनके बल को विचार पृथ्वी भार सहने में असमर्थ हो गए, वो कंपने लगी। वानरों में जय हो, रघुनाथ जी की जय हो, यह पुकार मच रही थी कि राक्षसों का की चिंतु मात्र भी भय नहीं था। लंगूर सूर से आकाश भीत ऊँचे ऊँचे देवायो गिरी पायो पौने से झपटे बैठते कार्तिक। वानरों के लंगूर पूँछ जो सूल के समान थे, ऊँचे ऊँचे शरीर भीत से दिखाई देते हैं। उनके बेग के पवन से जो बादल गिरते हैं उन्हें देखते ही वे झपट कर काट देते हैं, अथवा आकाश भी भयभीत दृष्टि आता था। पवन थक जाने से मेघ लंगूरों के लगाने से खंड खंड पृथ्वी पर गिरने लगे। शब्द करते अति घोर ही रामा इसे पहुँचाओ दल भालू का पिसिया रामा। आयुध झार अति जोर ही रामा परे लगे धन पुन सम सिया रामा। इस प्रकार महाशब्द करता रीछ वानरों का दल भी निशाचरों के सन्मुख हुआ। राक्षस सोने भी बड़े जोर से आयुधों की वर्षा कर दी। प्रलय काल के बादलों को बरिधार के समान अस्त्र और बाण धारा चलने लगी। सहज सहज हो कपि अतिशय कट कमी आशी अंधियारी तापर कर शत्रु के मार। वानर री अभी सावधान भी नहीं होने पाए थे कि राक्षस बहुत ही समीप आ गए। अत्यंत अंधेरी रात थी, वे काले राक्षस आते ही सब मार मार करने लगे। सूजन कपिन नहात पसारे जहाँ ताए कने एक पुकारे सन मुख को न करत लड़ाई कपिन मारे रण भूमि सुभाई। अंधेरा होने के कारण वानरों को हाथ पसारा नहीं सूझता था। जहाँ तहाँ एक एक को पुकारने लगे। कोई राक्षस उस समय सन्मुख होकर युद्ध नहीं करता था। गुप्त हो वानरों को मार मार कर रणभूमि में सुला दिया। धोखे से के अनेक भज से हिंदु समीपा न बेकल लक रघो कुल दीपा सज सारंग तजाए कमाना बाप काच दिगवत रण समाना। अनेक तो भागकर सागर के किनारे चले गए। रघ कुल दीपक श्री रघुनाथ जी ने अपनी
सेना को व्याकुल देख धनुष चढ़ाकर एक ऐसा बाण छोड़ा जिससे सब दिशाओं में सूर्य के समान प्रकाश हो गया। सर विद्या गई लाखा ते बेगत भालू कपी हरे से काटा कैटा कटाए दाए रे पुधर से। नारंद की विद्या खत्म। हाँ फिर एक सन एक प्रचारी लागे कारण काटन हट भारी। अंधकार दूर होते ही रीछ वानर बड़े प्रसन्न हुए और कटकटा कर शब्द दौड़े और शत्रुओं को मारने लगे। एक एक से ललकार कर एक युद्ध करने लगे और महाभयंकर कठिन मार होने लगी। लड़ाई बंद नहीं होगी बीच में नहीं छोड़ पाऊंगा। रामा दल में चले जाएं एक मतलब हाँ आराम करें अद्वीच में हो जाए चले जाएं अद्वीच में तीत चला तारु कारण धरी कांखन भर भरी दूरी गरजे बालु बली बजा बले दान सी धाये धाये नव दूरला खाने सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय सिया राम जय हनुमान जय हो।